दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। बड़ा मलहरा में शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ यात्रा नगर के सरस्वती ज्ञान मंदिर में पहुंची, जिसका बड़ा मलहरा के अशासकीय विद्यालयों के संचालकों ने स्वागत किया। शिक्षा बचाओ यात्रा के संयोजक मोहनदास नागवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ यात्रा का उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों को जल्द से जल्द प्रारंभ करवाना है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, उस समय भी स्कूल ओपन नहीं किए गए, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए जिसमें 5 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, जिससे न केवल स्कूल संचालक परेशान हैं बल्कि पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी काफी परेशान हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा अमरकंटक से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों से होती हुई पन्ना छतरपुर के बाद बड़ा मलहरा पहुंची। इसके बाद यात्रा टीकमगढ़ के लिए रवाना हो गई। शिक्षा बचाओ यात्रा माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से 3 अप्रैल से हमने प्रारंभ की है, जो मध्य प्रदेश में 34 जिलों को पूर्ण करके भारत के भौगोलिक बिंदु करौंदी पर समाप्त होगी। शिक्षा बचाओ यात्रा का मूल उद्देश्य जो इस संक्रमण काल में बच्चों का जो शैक्षणिक प्रगति है वो अवरुद्ध हो गई है और बचपन एक प्रकार से बंद हो चुका है, कैद हो चुका है, और इस काल में जो हमारे विद्यालय हैं 1 से 8 तक, वो पूर्णतः उनमें ताला लग चुका है, और इस परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में हमारे बच्चे बहुत निराश, हताश और परेशान हैं, और समाज जो है उन पे उस पर कोई भी ऐसा विचार नहीं कर पा रहा है। इसी सामाजिक जागरण को लेके कि समाज बच्चों की शिक्षा की चिंता करे और समाज बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की चिंता करे, उनके अनुशासन की चिंता करे, हम ये यात्रा शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ यात्रा लेकर निकले। तभी संभव है जब वह अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठे बैठे खेले कूदे लड़े झगड़े पढ़ें, तब उनमें उनकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक विकास हो पाएगा, उनमें सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ पाएगा। अभी विगत 1 वर्षों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने हम उम्र बच्चों के साथ उनका उठना बैठना पढ़ना लिखना नहीं हो पा रहा है, तो उनके ये सभी पहलू, ये सभी व्यक्तित्व विकास की चीज़ें ये अवरुद्ध हो रही हैं। एक और अभिभावक फीस दे रहा है स्कूल को, भले ही स्कूल बंद है लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार, शासन के आदेशानुसार फीस दे रहा है, इंटरनेट का पैक डलवा रहा है, ट्यूशन पढ़वा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को वो चीजें नहीं मिल पा जो उसे केवल स्कूल आने में मिल सके। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th, कॉन्टैक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।